तो आयुष भाई आपका क्या हाल चाल है? तो ये गान फट कर म्यूजिक सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स आरके ब्लॉग्स। तो गाइस आज हमारा राजगीर में सेकंड है और अभी हम जा रहे हैं कुंड में नहाने। सो गर्म पानी है कुंड में, सो वहाँ अंदर का तो मैं शूट नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो वहाँ से जब निकलते हैं ना आकर के तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ और वीडियो का भी करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हमने कुंड में नहा लिया, देख सकते हो यार एकदम रिफ्रेश लग रहा है, तो मन पूरा हल्का हो चुका है नहा करके। सो अभी हम चढ़ने वाले हैं पहाड़ पे, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे तो ये पहाड़ है, अभी हम इसके ऊपर चढ़ेंगे और आपको आगे की वीडियो दिखाएंगे। सो गाइस मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आओ तो यार कहीं घूमो या ना घूमो कुंड में ज़रूर नहाना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो नहा के एकदम सच में मज़ा आ गया। तो गाइस चलिए चलते ऊपर और मैं ऊपर चल के आपको ऊपर की वीडियो दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। ऊपर चला है बहुत ही ऊपर माउंट, तो देख सकते हो मेरे पीछे कितना मस्त व्यू है, यहाँ से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो रहा वो मंदिर जहाँ हम लोग कुंड में नहाए थे। तो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा मस्त है, यहाँ आओ तो यार घूमो एकदम पूरा राजगीर, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। चढ़ते चढ़ते तो हालत ख़राब हो गया, सो लेकिन मज़ा बहुत आया। सो अब हम यहाँ से निकलते हैं और लेट्स गो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो है गाइस देख सकते हो अभी हमने ये पीछे यहाँ पे एक बना हुआ था, सो हमने अभी यहाँ पे घूमा और अभी हम इससे और ऊपर की ओर जा रहे हैं। सो अब देख सकते हो ये है रास्ता। सो अभी हम यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं और आपको ऊपर का सीन दिखाते हैं कि इसके ऊपर और क्या है। सो लेट्स गो चलो चलते हैं और आपको ऊपर का सीन दिखाते हैं और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे सीधा घर। सो वीडियो में बने रहो, आई होप कि तुम्हें वीडियो में मज़ा आ रहा हो। तो भाई प्लीज़ मज़ा आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना अपने भाई को वीडियो को। सो चलो चलते ऊपर। तो भाई देख सकते हो यार अभी हम मात्र थोड़ा सा चले चढ़ें और हालत ख़राब हो गया। किसान भाई है कि नहीं भाई, कैसा लग रहा है? हालत ख़राब है भाई साहब, अभी आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर ऊंचा और जाना है, लगभग 45 मिनट्स लग ही जाएंगे चढ़ने में, बट कोई नहीं आपको मज़ा आने वाला है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल मजा बहुत आ रहा है। हम लोग आपको मजा आने वाला है ऊपर चढ़ने के बाद। आप लोग यहाँ वैसे ऊपर बहुत ही लंबा, अभी आधा घंटा लगने वाला है हमें ऊपर चढ़ने में। सो ये बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गया है और अभी भी आधा घंटा बाकी है और ये सब मेरे ग्रुप को देखो कोई भी पानी लेकर के नहीं चढ़ा। सो अभी हमने यहाँ से पानी खरीदा है कि हम रास्ते में पियेंगे। सो यहाँ से देख सकते हो व्यू तो बहुत ही अच्छा है,
लेकिन चढ़ने में बहुत ज्यादा हालत खराब है। सो गाइस हम ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि हम कितना ऊपर चढ़ करके हैं। वैसे तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ऑन फ्लाइंग मेरे ग्रुप तो आधे आगे भाग गए और बस हम दो अभी पीछे हैं। सो देख सकते हो यार यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है। सो गाइस यहाँ पे आओ तो यहाँ पर एक बार आकर के जरूर चढ़ना, भले ही थोड़ा थकावट होगा बट मजा बहुत आएगा क्लाइंबिंग करने में। सो चलो ऊपर एंड देन फिर मैं आप सबको ऊपर मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली देख सकते हो हम ऊपर पहुंच चुके हैं लगभग 400-500 सीढ़ी चढ़ करके। सो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ठीक भाई, तो आयुष भाई आपका क्या हाल चाल है? ये गान फट गया। म्यूजिक हालत खराब है, सबका हालत खराब है। लगभग 400-500 सीढ़ी कम से कम चढ़ा, वो भी इतनी कड़ी धूप में है, पूरा हालत पस्त। भाई सो अभी हम अब जाएंगे अब आगे की ओर। सो इधर देख सकते हो भाई रास्ता है। बेड लाए हो क्या? नहीं बेड तो नहीं लाए भाई, हम यही सोएंगे आज। हाँ तो इधर साइड में तुम आराम कर सकते हो, हम लोग उधर से आते घूम के उसके बाद तुमको यहाँ से साथ में लेके चलेंगे। नहीं नहीं चलो साथ में चलो। तो गाइस यहाँ पे एक सामने में रास्ता है जिधर आगे की ओर एक मंदिर है। सो अभी हम वहाँ दर्शन करेंगे एंड देन फिर हम अपने नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे जिसे हमें कवर करना है। सो चलिए चलते आगे। इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? आगे आगे मंदिर जाएंगे। नहीं नहीं यहाँ मंदिर के बाद, मंदिर के बाद जाएंगे पांडु पोखर। मंदिर के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे पांडु पोखर। तो चलिए चले पहले आपको मंदिर का वीडियो दिखाते हैं एंड देन फिर यहाँ से चलेंगे पांडु पोखर। सो लेट्स गो, चलो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग श्री दिगंबर जैन मंदिर आ चुके हैं, चलते और पूजा वूजा करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, राम जी की मंदिर की ये देख सकते हो मंदिर के अंदर का व्यू है। आरती लिए तो बाबा का घी पत्ती जलेगा, आप लोग के नाम से जो शाखा है तो 10 पाल बाबा के घी पत्ती जले आपके नाम से। तो ये जो मंदिर के पीछे का हिस्सा है सो आप देख सकते हो, तो मंदिर अंदर से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। तो ये मंदिर के पीछे का व्यू, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। भाई आपके वीडियो में उतना कुछ खास फील नहीं होगा बट जब रियल आँख से देखोगे ना यहाँ आ करके तो बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। तो एक बार मैं जरूर कहूँगा कि यहाँ पर आ करके विजिट करो, यहाँ करके घूमो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइज ये है मंदिर के बाहर का हिस्सा, मतलब पीछे का हिस्सा है। तो मैंने अभी आपको अंदर का मंदिर दिखाया। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बहुत ही शांति है, ऊपर का व्यू बहुत ही बढ़िया है। तो गाइज यार यहाँ वीडियो में उतना तुम्हें देख करके समझ में नहीं आएगा, तो मैं कहूँगा कि यार तुम यहाँ पर आकर के एक बार विजिट करो और यहाँ पूरा आकर के राजगीर घूमो, बहुत ही मज़ा आएगा अपने जब रियल आँख से देखोगे गाइज तो ये सब जो सीन है बहुत ही अच्छे लगेंगे। वीडियो में तो तुम्हें उतने कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे होंगे, तुम देख सकते हो थोड़े से धुंधला टाइप के हैं, बट तुम आकर के रियल अपने खुद के आँख से देखोगे ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें। तो मैं एक बार कहूँगा तुम यहाँ आकर के जरूर विजिट करना और पूरा लगभग जितना हो सके राजगीर घूमना और यहाँ ऊपर पे तो ज़रूर आना। और आना तो भाई खाना पानी थोड़ा साथ में लेकर के आना, खाना लाना या ना लाना लेकिन पानी ज़रूर लेकर के आना, नहीं तो यार इतना धूप में ये चक्कर आने का भी हो सकता है।
सो ये देख सकते हो अभी हम इससे थोड़ा और ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे दिगंबर का जैन मंदिर है। सो इसके बारे में हम अपने भाई से पूछते हैं। तो भाई ये मंदिर किस? हेलो गाइज, सो गाइज ये जो मंदिर है वो राजगीर का दिगंबर जैन मंदिर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी यहाँ आएँ और यहाँ का भव्य मंदिर देखें, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इन चार पहाड़ों के बीच में है ये मंदिर, बस यही है यहाँ की खासियत। तो गाइस यही है जैन मंदिर, आप यहाँ पे देख सकते हैं यार, देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊपर बनाया गया हुआ है मंदिर। कहाँ है सौरभ? और इधर का व्यू बहुत ही अच्छा है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। सही देख सकते हो ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और देखिए यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं बस एक ही काम रहता है इन लोगों को, खाली फोटो लेना है। एक भी फोटो बस खाली फेसबुक पे फोटो अपलोड करना है। देखो ओह माय गॉड, लेकिन यहाँ से व्यू सचमुच में बहुत ही ज्यादा मस्त है, देख सकते हो भाई। सो यहाँ का सीन तो यार सब जगह से ज्यादा अच्छा है, जो मैं आपको अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ। कर दिया। सो गाइस यहाँ पे देखिए 65 सीढ़ियां भी हम नीचे उतरेंगे और यहाँ पे उतरने के बाद नीचे एक गुफा है। तो अभी हम वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ दिखाते हैं। चलिए मार्कर है ना, बस चलिए यहाँ पे वो गुफा। जाता है अंदर वो वापस नहीं आ पाते, लेकिन हम अंदर जाएंगे और आएंगे, मजा आने वाला है। निशान देते जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बाबा बैठे हुए हैं। तो गाइस ये रहा वो गुफा, सो हम चलते हैं गुफा में। सो गाइस है तो काफी मिस्टीरियस जगह, बट देखते हैं क्या होता है आगे आगे, देखिए होता है क्या। हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे मार्क बनाते हुए जा रहे हैं, हमें पता चले कहाँ जा रहे हैं। और आप अंदर देख सकते हो, अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, देख सकते हो। हाँ हाँ सब देख सकते हो, मैं मार्क बनाते हुए जा रहे हैं। हम लोग तो तुम अलग अकेले बैठेगा। सो गाइस देख सकते हो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर गुफा में। कपड़ा का इधर इधर आकर आ गया ना, तो कपड़ा का निशान से निकल जाना। हाँ ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। इधर से रास्ता बंद है, उधर से चल। रुक जा। ए रुको भैया रे। अरे ये रास्ता है। चमगादड़ तो रहेगा ही नहीं। देख सकते हो गुफा। कपड़ा गंदा हो जाएगा भाई पूरा। काफी उधर से चल। किधर से? इसके बाद वाले से। उधर से यहाँ पे यहाँ पे गाइस देख सकते हो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, रास्ता है लेकिन जाने का तुम लोग बहुत कम है। तुम लोग डर रहे हैं? मेरा अगर दोस्त रहता ना एक। सो गाइस उधर रास्ता बंद था, सो अभी हम थोड़ा बाहर निकल रहे हैं और अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। रास्ता ब्लॉक था, तो ये रास्ता ब्लॉक होने की वजह से हम लोग वापस आ चुके हैं। सो अभी चलते हैं बाहर की ओर और देखते हैं एक जगह दूसरा रास्ता है, तो हम देखते हैं कि दूसरा रास्ते से हम जा पाते हैं या नहीं। तो चलो चलते हैं। सो गाइस अब हम चलते हैं इसके अंदर गुफा में। तो रोशन तुम आप चलो हैं? हाँ आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, फोटो ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम गुफा दिखाने के लिए। सो गाइस फाइनली अब हम इस साइड से चलेंगे गुफा के अंदर, सो देखते हैं कि हम कहाँ तक जा पाते हैं। सो बहुत ही मजेदार ये ब्लॉग होने वाला है, सो ब्लॉग में एंड तक बने रहो। सो चलो चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का सीन आपको। सो गाइस यहाँ पे रास्ता बहुत ही झुकाव होता जा रहा है। हाँ भाई कैसे आया, कैसे जाया?
अरे मेरा बैग ले लो ना खाली बस। कोई भी घूम जाओ तो इस कपड़े से निकल सकते हो बाहर। एक मिनट हम लोग भी आ रहे हैं। ओ भाई साहब तो गाइस हम अंदर की ओर घुस रहे हैं। यहाँ पे सब मेरे भाई लोग मार्क बना रहे हैं कि हमें वापस कैसे आना है। तो देख सकते हो ना डालेगा। हाँ ये देखो ऐसे डालेगा तो देखिएगा तो कुछ बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा। सो गाइस हम लोग आगे की ओर निकल रहे हैं एरो बनाते हुए। सो देख सकते हो एरो किधर का एरो बना रहा है। इधर सब निकलेगा पक्षी बहुत साल से बंद है इसके अंदर। चमगादड़ हो पक्षी टकरा गया ना मेरे सर में तो लग चुकी है। चलो भाई चलो आगे जाके और ज्यादा नहीं पर दूंगा ना वही जो पापा का आ जाना इधर चलना उधर चलना दोनों तरफ जाना है। किधर जाएगा अपने लोग सो सकते हो इधर साइड वैसे और एक साथ रहते हैं। चलो एक साथ रहो तो ज्यादा मेहनत करो। सुबह घरों का निशान हम लोग बनाते हुए जा रहे हैं अंदर की ओर। भाई सच में बहुत ज्यादा ये है। तो अपना फ्लैश ऑन कर लेना उसको। अरे तो उसमें का फ्लैश ऑन कर लेना कैमरा ऑन किया तो नहीं इधर से आता बोले ना उधर से। ओ भाई साहब मेरा मोबाइल तो बंद हो गया भाई। ब्लॉग है क्या सिग्नल नहीं ब्लॉक ब्लॉक बोले उधर से चलो इधर भाई एरो बनाते चलो। देखो यहाँ पे क्या करो क्या सब अपना अपना नाम लिखते जाओ एक एक करके बारी बारी से यहाँ पे लिखे। आयुष रास्ता याद रहेगा तो अपने अपना नाम लिख के जाना। साथ में बस हम घर से आगे जाके अब रुकिए ना भैया हम लोग साथ में चलते हैं। वो हम तो बोल रहे भाई मत जाओ गन फट कर। रास्ता फिर भाई निकल पाओगे कि नहीं धीरे धीरे यार धीरे धीरे भाई म्यूजियम जाने से लाख गुना ज्यादा। आगे है अभी है हम चल रहे हैं आगे। अरे भैया आगे होंगे दोबारा एक बार पहले नहीं जा पाएगा तुम लोग जा सकते हैं। बहुत छोटा रास्ता हम जा सकते हैं जैसा तुम लोग नहीं रहा दो रास्ता घूमता है उसके आगे है रास्ता इससे बड़ा है लेकिन कपड़ा गंदा लेकिन कपड़ा गंदा हो जाएगा तुम लोग सोचो जैसा। ऑलरेडी आधा कपड़ा गंदा हो चुका है इससे ज्यादा हम गंदा नहीं कर सकते। गंदा करना चाहते तो बैक कर दे और चलो तो फिर चलो। भाई कसम से बता रास्ता यहाँ से पता नहीं चल रहा जाना कैसे। देख इधर पता चला तू जा जाएगा फिर चल पड़ा। हाँ भैया आइए ना आप आगे आइए आराम से मेरा जल रहा इधर था ना भैया चलेगा तुम तो ना रास्ता ना इधर से हम लोग आए थे देखो ना पहाड़ ऊंचा नहीं है। अच्छा लेकिन सही बता तो पता नहीं चलता है। सही पता मेरे को पता चल रहा है तब मैं निकल रहा हूँ। हाँ आपको पता चल रहा है मतलब हमको पता नहीं चल रहा। अगर हम अंदर काफी अगर थोड़ा चले गए ना तो फिर बाहर तो शायद ही कोई जन्म में निकलेंगे। हाँ यहाँ से पता चल रहा देख पीला वाला कपड़ा गया ना मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हाँ हाँ यहाँ से दिख रहा है लाइट। अरे भाई बहुत ज्यादा क्या हुआ इधर रास्ता बहुत ज्यादा ही छोटा था बहुत ज्यादा रास्ता छोटा। सो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे बाहर की ओर। अरे भाई तो गाइस सच में बहुत ज्यादा मजा आ गया। कॉमन सेंस है ना यार। तो गाइस जाकर के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आ गया बहुत ही ज्यादा थ्रिल था लेकिन डर भी बहुत ज्यादा। आधा में आ गया क्योंकि
आगे बहुत बहुत छोटा रास्ता था, आधा अंदर तक गया था, काफी छोटा रास्ता था अंदर। कमर तो दम ऐसी हो गई, यही तक था। तो अब हम लोग चलते, बहुत ही मजेदार था, जाने में मजा आया, बट डर भी था क्योंकि अंदर जाने बाहर आने का रास्ता पता नहीं चल रहा था। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो यार वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और जितना शेयर कर सकते हो उतना कर देना, और अपने भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पर कर देना जो भी लेटेस्ट वीडियो आए।